वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। आज हम एक और कहानी लेके आए हैं और इस कहानी का शीर्षक है जादुई चकला बेलन। कहानी कुछ इस प्रकार की है कि एक समय की बात है, एक घर में भाई भाभी और उनका देवर रहता था। अब जो भाई और भाभी थे वो काम करते थे, उनका खेत था, वो अपने लिए पैसे कमाते थे, अपने घर को चलाते थे, पर उनको ये बात कहीं खलती थी कि आखिर उसका देवर उनके आराम से बैठ के कुछ कर नहीं रहा है और ऐसी मज़े ले रहे हैं। तो एक दिन वो भाई और भाभी ने सोचा कि आज इसको खेत में से पहले फल तोड़ने के लिए भेजते हैं। तो वो भाई जो है, जो देवर है, वो जाके तोड़ के ले आता है। अब लेके आने के बाद उसके भाई भाभी उसको कहते हैं कि जा आज तू इनको बेच के लेके आ, कुछ कमाई करके लेके आ मंडी में जाके। वो मंडी जाता है, वो वहाँ खड़ा होके सोच रहा है कि मैं तो पहली बार मंडी में आया हूँ, मैं कैसे बेचूँ, इसको बेचने का तरीका क्या है। तो उतने में दो ग्राहक आते हैं, उसने देखा कि ये तो नया आया है, तो वो पूछते हैं क्या तुम आज मंडी में नए आए हो, तुम पहली बार बेच रहे हो अपना सामान। तो उसने कहा हाँ। तो कहते मुझे तो कुछ पता नहीं है कि कैसे बेचना है, क्या करना है, कुछ बता दीजिए। तो वो कहते हैं पहले दिन तो तुम्हें सब कुछ मुफ्त में देना पड़ेगा, उसके बाद ही अगले दिन जब तुम लोगों तुम्हारी सब्जी फल अच्छे लगेंगे तभी तुम्हें कोई पैसे देगा। ये कह के उसने अपना सारा सामान उन दोनों को दे दिया, ये सोच के कि कल आएंगे वापस पैसे देंगे तो वो कमाई करके अपने भाई भाभी को बोल सकेगा कि देखो मैं लेके आया, पैसे कमा सकता हूँ मैं भी। अब रास्ते में आ रहा था, खाली टोकरी लेके आ रहा था। खाली टोकरी देखकर एक और इंसान जो सफ़र करते हुए मिले, उन्होंने कहा ये खाली टोकरी लेके क्यों जा रहे हो, इतना भार क्यों उठा रहे हो, ये पकड़ो ये बैग है, इस बैग में रख लिया करो अपनी फल सब्जी, टोकरी उठा के मत लेके जाया करो, हाथ हमेशा ऊपर रखना पड़ेगा, उसको पकड़ के रखना पड़ेगा, तुम बैग में रखो सामान आराम से रखो। उसने बोला, उसने सोचा बात तो सही कह रहा है ये व्यक्ति, ये सोच के उसने टोकरी उसको दे दी और उसे बैग ले लिया। अब वो बड़ी खुशी खुशी अपने घर की तरफ जाता है। घर जाके जब उसने बताया कि आज मैं सारी सामान दे के आ गया हूँ, कल मुझे पैसे मिलेंगे जब मैं नया सामान लेके जाऊँगा। यह सुनकर उसके भाई और भाभी को बड़ा गुस्सा आया, उन दोनों ने इसको बड़ी खरी खोटी बातें सुनाई, बहुत गालियाँ दी। पर फिर क्या हुआ, ये उदास होकर इसने सोचा कि चलो मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ, सुसाइड कर लेता हूँ वगैरह वगैरह। वो घर से निकला ऐसी ढूंढते ढूंढते, तो वहाँ एक पुराना मंदिर था, उस मंदिर के बगल में एक पेड़ था, उस पेड़ में एक जिन रहता था। उसने जैसे ही रस्सी फेंकी नॉट बनाने के लिए, उस जिन ने उस रस्सी को पकड़ लिया और उसने कहा बेटा तुम ये क्या कर रहे हो। तो उसने उसको पूरी कहानी बताई, जिन ने बोला ये तो तुमने ठीक नहीं किया, तुम तो बुद्धि से काम नहीं ले रहे हो, अभी तो ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। उसने कहा ये पकड़ो जादुई चकला बेलन, तुम इसको जब भी एक दूसरे पे ऐसे ऐसे करोगे, मतलब घुमाओगे, तो तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। इस बात को सुनकर वो कहते हैं कि पर जिन मैं ये तुमसे कैसे ले लूँ, मैं लालची तो हूँ नहीं, मुझे लालच की भावना नहीं है, मुझे जो मिलता मैं उसमें संतुष्ट रहता हूँ। तो जिन ने उसको समझाया कि नहीं तुम ये लेके जाओ, तुम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तुम्हारी मदद होगी। तो वो उसको लेके चला जाता है अपने साथ, जादुई चकला बेलन। वो जिन बहुत भूखा रहता था, तो जो वो चकला बेलन था उसको उसने कैसे यूज़ किया, वो रोज़ जिन के लिए रोटी और गुड़ लेके जाता था उसको खिलाने के लिए, ताकि वो भूखा ना रहे। ऐसा ही होता रहा, तो उसकी भाभी को शक हुआ कि ये घर से क्या भर भर के लेके जा रहा है, पोटली में ज़रूर कुछ लेके जा रहा है और हमें पता नहीं रहा। तो वो झांकने लगती है कि ये कर क्या रहा है अपने रूम में, तो वो देखते हैं ये तो रोटी और गुड़ बना रहा है, उस चकले में बिना कुछ डाले ऐसे ही जब हिला रहा है तो उसमें से निकल रहा है बन बन के। और जैसे ही वो उस चकले बेलन को एक जगह रख कर उस रूम में से बाहर निकलता है, उसके भाई भाभी आके उसके चकले बेलन को इस्तेमाल करते हैं ढेर सारे गहने पैसे बनाने के लिए। पर उस जिन का एक श्राप था कि जो भी उस व्यक्ति के सिवाय उसको यूज़ करेगा, उसका इस्तेमाल करेगा, अंत में
एक सांप निकल के आएगा। और उस सांप को देखकर जैसे ही उस भाभी ने कहा सांप सांप सांप, तो आम सी बात है, ढेर सारे सांप आ गए और उन्होंने उन दोनों को दस लिया। दसने के बाद वे लोग मृत्यु के घाट उतर गए और वो भी आत्मा बन के उस जिन के पीछे लग गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी जीवन में लालची ना बने, क्योंकि लालच बुरी बला है और वो आपको कहीं अच्छे मकाम पे नहीं लेके जा सकती। वो जो भी करेगी आपके लिए बुरा ही करेगी। इसी के साथ ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। फिर मिलेंगे चलते चलते, बाय।